दिग्रस तहसील कार्यालय के चुनाव विभाग में आज सुबह करीब 5 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे सीलिंग फैन और बिजली के उपकरण पूरी तरह से जल गए। दिग्रस तहसील कार्यालय में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग में सीलिंग फैन, लकड़ी की अलमारी और कागजात पूरी तरह से जल के खाक हो चुके हैं। सुबह क्षेत्र की सफाई के लिए गए जागरूक आरक्षक अरुण मनवर ने तत्काल देखा कि चुनाव विभाग के मुख्य दरवाजे व अन्य सामग्री में आग लग गई है। तहसीलदार और चपरासी बिना देर किए नगर परिषद के मुखिया से संपर्क करने से पहले बाल्टी में पानी फेंककर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिब्यूनल के समक्ष पंचनामा तैयार कर जिला कलेक्टर कार्यालय यवतमाल भेज दिया गया है। वीके बिन न्यूज़ के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्र की रिपोर्ट।